सत श्री अकाल जी, मेरा नाम विपुल उज्जवल है अते मैं स्टेट कोविड कंट्रोल रूम का मैंबर हाँ। आज मैं थोड़े सामने जिहड़ी असीं रोजाना मीडिया के नाल जानकारी सांझी करदे हां वह लेके हाजिर होया। आज जानकारी सांझी करन का 38वां दिन है। हुण तक कोरोना वायरस ने विश्व भर में लगभग 31,52,000 लोगों को संक्रमित किया है और लगभग 2,18,000 मौतों का कारण बनया है। भारत में इसने 31,332 लोगों को संक्रमित किया है जिसमें 1,008 मौतें शामिल हैं। पंजाब सरकार ने पंजाब सूबे में जो करफ्यू है उसकी मियाद बढ़ा के 17 मई तक कर दी गई है। इस संबंध में सरकार ने कुछ एक सहूलत भी रिलैक्सेशन भी लोगों को दिए ने। यह जी छोटा है ये जो कंटेनमेंट जोन रेड जोन या जो हॉटस्पॉट वाले एरियाज है उन्होंने लागू नहीं होंगे। इन्हों जोनों जी भी साड़ी सेफ्टी प्रोटोकॉल जी कोरोना वायरस की है तो सरकार दी वक्री वक्री सेफ्टी गाइडलाइनस हेल्थ गाइडलाइनस आती है वो लागू रहेंगी। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि कुछ दुकाना सवेरे 7 तो लेकर 11 बजे तक खुलिया रहनगियां, लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि जी खुलने वाली दुकाना है इन्हों सारिया सरकार हिदायतों और सेफ्टी की जी भी कोरोना वायरस संबंधी प्रोटोकॉल आती है भावें केंद्र सरकार की हो भावें सूबे की सरकार की हो मानना जरूरी होगा। सरकार ने यह भी दोहराया है कि कंटेनमेंट जोन या हॉटस्पॉट में किसी भी उद्योगिक सरगर्मी की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि जिहड़े बाकी खेतर जिथे कि इस तरह के हॉटस्पॉट या रेड जोनस नहीं आइडेंटिफाइड है उत्थे सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार उद्योगिक इकाइयों को चालू करने की काम करने की इजाजत दी जा रही है। और पंजाब सरकार ने दूजे देशों में रह रहे फंसे हुए नागरिक जिहड़े कि वापस पंजाब लौटना चाहते हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है बेनती की है कि जेकर वो वापस आना चाहते हैं तो साड़ी वैबसाइट है www.covidhelp.punjab.gov.in ते जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं जे वो वापस आना चाहते हैं दूजे देशों तो। जिहड़े लोगों ने इस लई डिस्ट्रिक्ट की जिले की जिहड़ी हेल्पलाइनां ते खुद को पहले रजिस्टर करवाया हुआ है उन्होंने वापस भी अपलाई करन दी मुड़ अर्जी देने की लोड़ नहीं है। इस वायरस को फैलने तो रोकने लिए पंजाब सरकार शक्की मामले के नमूने की जांच कर रही है। पंजाब सरकार ने इसकी टेस्ट की कुल 18,700 नमूने भेजे सन उन्हों लगभग 15,700 नमूने जोड़े हैं वो नैगेटिव पाए गए हैं। कुल जे 375 जे नमूने हैं और पॉजिटिव पाए गए हैं। कल तक यह जो आंकड़ा सीगा 342 का सीगा। बदकिस्मती नाल हुण तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। अज कोई भी मौत का नवा मामला साढ़े सामने नहीं आया है। इस तो बाद एक कई बार आप जी पता है पिछले दिनों तो असं सवाल जवाबों का सिलसिला भी करते होंगे ने तो सानू जिहड़े वक्रे वक्रे सोशल प्लेटफॉर्मों तो जिहड़े सवाल प्राप्त होंगे हैं उन्होंने बारे सरकार दी जिहड़ी हिदायतां असीं तुहाडे नाल सांझी करते हैं। हुण जिदा असीं अपने बुलेटिन शेयर किया कि जिहड़ी उद्योगिक सरगर्मी की इजाजत कुछ एरिया जिथे हॉटस्पॉट्स नहीं है उत्थे दित्ती जा रही है तो इंडस्ट्रियल जोनों च जिहड़े काम करने वाले लोग हैं तो बाकी जो इंडस्ट्रिस्ट हैं उन्होंने सहूलत की सरकार ने कुछ हिदायतें जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो शेयर की हैं। लोगों ने सानू तो पूछा कि फैक्ट्रिया से काम करना कितना सुरक्षित है वो बारे से दसना चाहते हैं कि जो तुम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की जी सा है उन्होंने तुम फॉलो करोगे उन्होंने तो यह जोड़ा है कोरोना वायरस है वो तो तुम बचे रहोगे। कुछ एक जनरल इंस्ट्रक्शन ने वो हर थान पर लागू होंगी ने भावें इंडस्ट्री होए भावें बैंक होए भावें अपना घर होए वो प्रोटोकॉल्स इंडस्ट्रीज पर भी लागू रहनगियां। ये बेसिक होती हैं जिदा कि हैंड हाइजीन यानी अपने हाथों को साफ रखना हाथों की सफाई आप साबण या सैनिटाइजर दोनों के राही कर सकते हैं। साबण के नाल आप घट्टो घट 20 सैकेंड तो सैनिटाइजर नाल 40 सैकेंड आपां अपने हाथों को साफ करना है। ये जरूर ध्यान रखना है कि कई बार अपने हाथ आपां साफ दिसदे होंगे लेकिन होंगे नहीं है सो ये लगभग 2-2 घंटे बाद आपां अपने हाथों की सफाई का ध्यान रखना है। दूजा है मास्क। मास्क हर वेले चेहरे पर रहना चाहिए है जो तुम घर तो बहर हो। यह जो मास्क है यह जरूरी नहीं है कि ट्रिपल लेयर या कोई होर N95 तरह का हो सिंपल कपड़े का सूती मास्क भी हो सकता है। यह जरूर ध्यान रखना कि थोड़ा नक् के मूँह पूरा कवर करे और घर पहुँच के इनू रोजाना जे एक धोन वाला मास्क है तो इनू रोजाना साबण नाल धो के फिर ही इनका वापस इस्तेमाल करना है। इस तो अलावा एक बेसिक समाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग तुम्हें मेनटेन करनी है जी घट्टो घट 1 मीटर होनी चाहिए है। एक रेस्पिरेटरी एटीकेट्स यानी जो भी तुम खंघ या छींक आए तो ध्यान रखना है कि तुम अपने रुमाल का या टिशू पेपर का इस्तेमाल करना है। जो थोड़े को रुमाल या टिशू पेपर ना हो तो तुम अपनी मुड़ी हुई बाजू च इस तरह खंघ सकते हो या छींक सकते हो इन रेस्पिरेटरी एटीकेट्स कहते हैं जिसका हर वे हर थान पर ध्यान रखना है। लास्ट बेसिक जी जानकारी यह है कि जो तुम किसी भी तरह के फ्लू के कोई भी लक्षण जिमें कि खंघ बुखार लगता हो तो अपने नेड़े के हॉस्पिटल जाके अपनी चेक जरूर करवाओ ताकि जांच होने के बाद पता लग सके कि जो लक्षण है वो कोरोना के हैं या किसी होर बीमारी के हैं। ये तो हो गई बेसिक इनफॉर्मेशन जी हर बंदे ने मननी है। हुण इंडस्ट्री के लिए कुछ स्पेसीफिक खास हिदायतें ने जिमें कि
सब तो पहला असि इंडस्ट्री को यह हिदायत दी है कि उन्होंने अपने जिन्हें भी काम है उन्होंने 50% एक टाइम से बुलाने हैं, यानी उन्होंने अपनी शिफ्टों का समा इस प्रकार का करना है कि 50% लोग एक दिन 50% लोग दूजे दिन आएंगे। इस तो अलावा यह जो लोग आएंगे इन्हों का जो शिफ्टों का समा आन का जाता है उस तरह का स्टैगर किया जाना है, वक्रा वक्रा किया जाना चाहिए है ताकि किसी भी वेले आते वेले या जाते वेले इन्हों की भीड़ इकट्ठी ना हो। इस तो अलावा जी शिफ्टों का समा है वह छोटा रखा जाए, 8 घंटे तो वही शिफ्ट ना की जाए, सरकार वालों हिदायत की जाती है। बीच बीच में घंटे घंटे का समा जो मिलता है एक शिफ्ट तो दूसरे शिफ्ट के विचकार उस वे जो भी उपकरण इंस्ट्रूमेंट औजार ने उन्हों का डिसइनफेक्टेंट असी कर सकते हैं। तुम्हें सारे पता है अभी कई बार दस चुके हैं कि डिसइनफेक्शन करने लिए तुम साबण का पानी या 1% हाइपोथेक होल्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। घर तो बाहर करने वर्क फ्रॉम होम की ज़्यादा तो ज़्यादा कोशिश की जाए। इस तो अलावा जो भीड़ वाले इलाके जिमें खाने की कैंटीन या चाह की थां होंगी उत्थे मार्किंग बनाई जाए ताकि लोगों अपने दो लोगों के विचकार सोशल डिस्टेंसिंग का पता रहे और दूरी मेनटेन कर सकन। बायोमेट्रिक अटेंडेंस जी आप अंगूठे के निशान या उंगली के निशान के नाल जो अटेंडेंस लेंदे हैं वो उन्होंने इस कोविड के चलते बंद करने की भी हिदायत की जाती है। जेकर थोड़े जरा इंस्टीट्यूशन है या थोड़ी फैक्ट्री लिफ्टां लगी हुई हैं तो काइंडली ध्यान रखा जाए कि लिफ्टां के बाहर या लिफ्टां के विचकार सैनिटाइजर रखा जाए और जदों भी कोई बटन नप्पण तो बाद अपने हाथ जरूर साफ कर लिते जाए। रेस्पिरेटरी एटिकेट्स से तुहानूं पहले ही दस्सिया कि खंघ ते छिकण दे अपनी कोहनी दे कोशिश करनी है कि तुहाडे कोल रुमाल या कोई नैपकिन होए, नहीं तो तुसीं अपनी मुड़ी हुई कोहनी च तुसीं इस तरह छिंग या खंघ सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन जे तुसीं अपने जिहड़े कामियां नूं कितों लेके आना हुंदा है तो ध्यान रखो कि गाड़ी च कल्ला कल्ला बंदा ही लाने की कोशिश की जाए। जे एक कार च एक तो वध लोग लाने तो ध्यान रखा जाए दो तो वध लोग ना आए। बसा जे तुसीं कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस तरह का इस्तेमाल कर रहे हो तो बसा की टोटल कैपेसिटी का 30-40% ही लोगों को बस से बिठाना है। बस में या कोई भी थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का जो साधन है उन्हें रेगूलर आप डिसइनफेक्टेंट करना है, जो तो अभी पहले दसाया कि साबुन के पानी के नाल हो सकता है या 1% हाइपो दे सोल्यूशन के नाल हो सकता है। तुहाडे जिहड़े फैक्ट्री के इनडोर एरिया जो बंद एरियाज होंगे ने उन्हों का डेली डिसइनफेक्शन होना चाहिए है। जिहड़ी सरफेस जिहड़ी सतह ज़्यादा इस्तेमाल होंगी है उन्होंने दिन में 2 बार डिसइनफेक्शन की कोशिश की जानी चाहिए है। हुण तुहाडे जिहड़े कामे है असी कोशिश ये कर रहे हैं सारे लोगों को समझाने की कि सिर्फ कोई फैक्ट्रियां इस वेले इफेक्टिवली चल सकती हैं जिहड़े कामियां नूं अपने प्रमाइसिस अपने बाउंड्री वॉल च रख के अपना काम करवा सकती हैं। इतने तुसीं जरूर ध्यान रखना है कि इन्हां दी जिहड़ी खाण दी थावां है फूड जिते इन्होंने तुम्हें खाना सर्व करना है ब्रेकफास्ट लंच डिनर उत्ते सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन की जाए और एक दूसरे के बर्तना के बर्तन सांझे ना किए जा। दूजी राती जो उन्हें सोन की थां है वह प्रॉपरली वेंटीलेटड होनी चाहिए है और इन्हों की सोन के थावान के विचकार भी घट्टो घट 1 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए है। इन्हों के जो टॉयलेट्स हैं उन्होंने सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए है और इन्हों का भी डिसइनफेक्शन रेगूलरली तौर पर किया जाना चाहिए है। यह भी ध्यान रखना चाहिए है कि जिहड़ा तुसीं पोंचा या झाड़ू बाहर की सिंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हो जो अंदर कमोड से टॉयलेट सीट की सफाई लिए उसी उपकरणों का इस्तेमाल ना किया जाए, वक्रे वक्रे दो सैट रखे जाने चाहिए हैं। कामियां तो यह भी अपील की जाती है कि इस वे हाथ मिलाने को परहेज किया जाए और किसी भी तरह का धूम्रपान या तंबाकू चबाना थूकना इस वे पूर्ण तौर पर वर्जित है उसका भी ध्यान रखा जाए। इस तो बावजूद भी जो थोड़े मन कोई सवाल है तुम जो कोई लगता है कि थोड़े कुछ जेन्युइन कंसर्न है तो तुम साड़ी हेल्पलाइन 104 से संपर्क कर सकते हो या साडा जिहड़ा कंट्रोल रूम का नंबर है 01724920074 इस पर भी संपर्क कर सकते हो या साड़े मोबाइल नंबर 88720900029 से भी इस पर संपर्क कर सकते हो। अंत में असी करोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में थोड़े सहयोग लिए थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और असी तुहानू सारे नूं बेनती करते हैं कि कृपा करके जिहड़ी समाजिक दूरी है बनाए रखो तो अपने हाथों की सफाई का खास ध्यान रखो। घर रहो, सुरक्षित रहो, सेहतमंद रहो। धन्यवाद।